आज विजयादशमी है और पूरे दुर्गा पूजा में विजयादशमी का अपना एक अलग ही महत्व है। आज दुर्गा माँ का विसर्जन किया जाएगा, दुर्गा माँ को आज विदा किया जाएगा। तो विदा होने से पहले आप सभी दर्शकों को एक नजर दुर्गा माँ की तस्वीर पर दिखाना चाहेंगे, दुर्गा माँ को दिखाना चाहेंगे कि आज भी दुर्गा माँ उतनी ही भव्य रूप में नजर आ रही है। सभी के चेहरे में उदासी जरूर है क्योंकि दुर्गा माँ आज विदा हो जाएगी। माहौल गमगीन जरूर है पर इसकी रौनक एक अलग ही देखने को मिलती है। आज विजयादशमी के मौके पर इस वक्त R9 की टीम पहुंची है सीआर पार्क के मेला ग्राउंड में। इस वक्त मैं मेला ग्राउंड में हूँ सीआर पार्क के, और सीआर पार्क का मेला ग्राउंड में दुर्गा पूजा की एक अपनी अलग ही रौनक देखने को मिलती है। यहाँ पे बंगाली सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा है, बंगाली बहुत फैमिलीज ऐसे रहते हैं जो यहाँ पे आते हैं, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। और कहा यह भी जाता है कि पूरे दिल्ली में सबसे अच्छा दुर्गा पूजा यदि कहीं होता है तो वो है सीआर पार्क का दुर्गा पूजा। तो आप जरा देखिए कि यहाँ का माहौल कितना अच्छा है। और दुर्गा पूजा की जब भी बात होती है तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है कॉस्ट्यूम को लेकर वो ये होता है लाल पाड़ सादा साड़ी। पूरे दुर्गा पूजा में हर लोग, जो जितनी भी बंगाली फीमेल्स हैं, जितनी भी बंगाली लेडीज हैं, वो लाल पाड़ सादा साड़ी में नजर आती है। तो आप जरा देखिए कि सब लोग जो है वो बहुत ही सुंदर से सजधज के सवर के आए हैं, लाल पाड़ सादा साड़ी पहने हुए हैं। दुर्गा पूजा में लाल पाड़ सादा साड़ी पहनना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे, आज दुर्गा पूजा में माँ की विदाई हो जाएगी, आज विजयादशमी है, आज के बाद दुर्गा पूजा का रौनक जो है वो खत्म हो जाएगा, कैसा लगता है? बुरा तो लगता है, हम साल भर इंतजार करते हैं दुर्गा माता का सिंदूर लगाने के लिए, तो बुरा लगता है। जी बिल्कुल, बहुत बुरा लगता है क्योंकि पूरे साल भर लोग इस दिन का इंतजार करते हैं, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने का इंतजार करते हैं, पर जब आज माँ विदा होंगी तो सभी की आंखें जो है वो नम हो जाएंगी। पर दुर्गा पूजा की रौनक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाल पाड़ सादा साड़ी है, तो यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से तैयार होके आई हुई हैं दुर्गा माँ को विदा करने के लिए। क्या कहेंगी आप, दुर्गा पूजा की जो रौनक है आज खत्म हो जाएंगी, मन में कहीं उदासी आती है? हाँ बिल्कुल, मतलब इतना 5 days ऑफ पॉप एंड शो हम इतना एंजॉय करते हैं, आज का दिन बस लास्ट हमारा विदा। सिंदूर खेला को लेके क्या कहेंगे, कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है, मैं पहली बार आई हूँ सिंदूर खेला खेलने। बुरा तो लग रहा है, माता जब अपनी घर जा रही है तो बुरा तो बहुत लग रहा है, बट हम वी आर कम टू सेलिब्रेट, तो हम सेलिब्रेट करने आए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि माँ को खुशी खुशी विदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम बहुत खुश हैं, हम इसलिए सिंदूर खेला भी खेलते हैं कि बिल्कुल एंजॉय करें और माँ को बहुत खुशी खुशी विदा करें कि अगले साल जल्दी आ जाए। जी बिल्कुल, इसी कामना के साथ कि नेक्स्ट ईयर आने वाले साल जो माँ है वो जल्दी से पधारे। और वैसे भी दुर्गा पूजा में जो रौनक होती है वो सिंदूर खेला की अलग ही होती है। जितनी भी फीमेल्स है वो मिलके एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, माता रानी के ऊपर सिंदूर लगाती है, दुर्गा माँ को सिंदूर लगाती है, और उसका जो मज़ा है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के सीआर पार्क में ही देखने को मिलता है। सिंदूर खेला को लेके क्या कहेंगे आप? आज लास्ट डे है तो ऑब्वियसली एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन फिर भी मन में कहीं दुख भी है, और आज मेरी दोनों मम्मी मेरे साथ है तो एक साथ सिंदूर खेला का अलग ही मजा होगा। मेरे फैमिली के साथ दुर्गा पूजा को एंजॉय करने का अपना अलग मजा है, क्या कहेंगे आंटी? अच्छा लगता है, लड़की का घर आई हूँ तो बंगाल कलकत्ता को मिस नहीं करते? हाँ बहुत मिस करते हैं, तभी भी लड़की का घर आई हूँ ना, इसीलिए। तो वैसे बंगाल का दुर्गा पूजा तो एक अपना अलग ही है, लेकिन कलकत्ता की रौनक यहाँ पे, लोग कहते हैं कि सीआर पार्क इज अ मिनी बंगाल, इसको लेके क्या कहते हैं? सो वी डोंट मिस रियली कलकत्ता। जी बिल्कुल, वैसे कहा जाता है कि कलकत्ता में दुर्गा पूजा को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, पर दिल्ली का सीआर पार्क एक ऐसा पार्क है जिसे लोग मिनी बंगाल की तरह मानते हैं, मिनी बंगाल के रूप में दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। दुर्गा पूजा में यहाँ पे जो रौनक देखने को मिलती है वो पूरे दिल्ली में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। क्या कहेंगे आंटी, आज आज आखिरी दिन है, कैसा लगता है? मन तो बहुत खराब होता है, बट आज का दिन भी बहुत शुभ माना जाता है, माँ अपने घर वापस जा रही है, अपने ससुराल या घर जो भी कहो। जी तो आज सिंदूर खेला है तो उसको लेके क्या कहेंगे? ये मेरा फर्स्ट सिंदूर खेला है तो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। जी लाल पाड़ सादा साड़ी पहनना अपने आप में बंगाली ट्रेडिशन में बहुत खास है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? उसमें एक मदर फीलिंग भी आती है, एक नाइस फीलिंग भी आती है, और माँ के सामने, मतलब ये तो बहुत पुराना चल रहा है कि रेड बॉर्डर साड़ी वाइट वाला, तो यू सो वी प्रेफर टू वेयर दैट स्पेशली ऑन अष्टमी एंड दशमी। तो सुना आपने कि रेड लाल पाड़ सादा साड़ी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कहेंगे आप आज आखिरी दिन है? बहुत अच्छा, पहली बात तो बहुत अच्छा लगता है,
आने में, यहाँ पे सेलिब्रेट करने में, माँ का वरण करने में, लेकिन साइड बाय साइड देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो सैडनेस इज देयर कि आज लास्ट दिन है, माँ चली जाएंगी. लेकिन ये जो एक्टिविटी जो हम यहाँ पे आके करते हैं, इसका एक मतलब अलग इम्पॉर्टेंस है, जिसका बहुत ही ज़्यादा हम वेट करते हैं आज के दिन के लिए. एंड वी गेट रेडी, वी सिलेक्ट आर साड़ीज अकॉर्डिंगली कि हाँ ये पहनना है, ये करना है, और माँ को ऐसे तैयार होना है, और प्लेट को इस तरह से सजाना है, ये सारी चीज़ें रखनी है. तो बहुत अच्छा लगता है. जी बिल्कुल. तो सुना आपने कि दुर्गा पूजा की रौनक किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रही है, कैसे लोग दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं. दुर्गा पूजा भले साल में एक बार आता है, पर इसका इंतज़ार जो है लोग बेसब्री से करते हैं, और इसी कामना के साथ माँ को विदा करते हैं कि माँ अगले साल बहुत जल्दी आए, और एक बार फिर से जो दुर्गा पूजा का माहौल होता है उसे लोग इन्जॉय करें, दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करें. तो आज दशहरा है, दशहरा को विजयादशमी के रूप से भी बहुत खास माना गया है, क्योंकि आज माँ विदा हो जाती है, और माँ को सभी लोग खुशी खुशी विदा जरूर करते हैं, पर कहीं ना कहीं मन में उदासी और मन दुख जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. कैमरा पर्सन राहुल देव के साथ मैं पूजा, दिल्ली.